तो आप मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आज आम का शरबत आम पन्ना बनाना, अभी गर्मियों का समय है, पेट के लिए ये रामबाण है, आपको ठंडा भी रखेगा और स्वादिष्ट भी लगेगा। इस तरह से 250 ग्राम आम ली हूँ। देखिए, पुदीना, ये तो आप जानते ही हैं पेट कितना ठंडा रखता है पुदीना से। चीनी अपने मीठे के अनुसार लगभग 100 ग्राम है। ये आपको जीरा, भुना हुआ जीरा, काला नमक और तीखे के अनुसार अपना हाफ चम्मच मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसको बताती हूँ किस तरह से काटना है। देखिए, आम को एजेज को इस तरह से काट देंगे और साइड साइड काट के निकालेंगे, गुठली को निकालने का जरूरत नहीं है। इस तरह से देखिए, इस तरह से साइड साइड पूरा काट के इस गुठली को भी इसी में डाल देंगे। इस तरह से दूसरे आम को भी इस तरह से काट के आम को अच्छे से धो के उसके बाद ही अच्छे से काटेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से गुठली को भी इसी में डाल देंगे। अब इसको डूबने भर पानी डालेंगे, देखिए जितना डूब जाए। इसको लगभग गलने तक पकाएंगे। इस तरह से इसको पानी डाल के हीट करें। इस तरह से इसको गैस पर रख के या कोई भी स्टोव पर रख के इसको उबलने तक पकने देंगे, जब तक वो गल ना जाए आम। इस तरह से मीडियम आंच पर ही पकाएंगे। इसको पकने का टाइम नमक, आपका नमक डाल देंगे, नमक करीब हाफ चम्मच। और जब पूरा गल जाए तो उसके बाद हम लोग मिर्च या चीनी डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, गलने तक, गलने के बाद ही डालेंगे। ऑयल आ चुका है, बीच बीच में देखते रहेंगे ये आपका पल्प पका कि नहीं। नहीं पकने से इसको आप ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपका इस तरह से नहीं पक रहा तो आप कुकर में भी 2 सीटी लगने तक पकने के लिए आप डाल सकते हैं। 10 से 15 मिनट हो गया, आम बिल्कुल गल गया। देखिए इसका पल्प किस तरह से अलग हट जा रहा है, किस तरह से पल्प गल जा रहा है। देखिए ये लगभग अब मेरा तैयार है। अब इसमें अब लगभग चीनी है जो लिए हैं उसको हम मिला देंगे। अब चीनी को गलने तक पकाएंगे। अब हाफ चम्मच मिर्च पाउडर डाल देंगे। चीनी जब गल जाएगा तो इसको ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। चीनी बिल्कुल मेरा भूल गया है, अब पल्प भी पूरा गल गया है। अब इसको उतार लेंगे गैस से। अब इसको ठंडा, हम सारा मेरा ठंडा हो चुका है पल्प सब। अब इस तरह से हम छिलका में से पल्प को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से गुठली से भी निकाल लेंगे सारा पल्प को। देखिए सारे छिलके को भी इसी तरह से निकाल के पूरा पल्प निकाल के ग्राइंड कर लेंगे। देखिए उबले हुए आम से सारा पल्प निकाल ली, इस तरह से छिलका निकल जाएगा और देखिए पल्प इधर हो गया। अब जो पानी उबाल के रखे हैं, देखिए पानी उबाल के रखे हैं, इसको भी इसी में डाल देंगे। इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब इस तरह से इसको ढक्कन लगा के अब फाइन कर लेंगे। ग्राइंड किए हुए पल्प को पूरा इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए अब मेरा आम का पल्प रेडी है। इस तरह से ग्राइंड करके अब एक कोई भी कांच का गिलास ले सुंदर सा, उसमें भरे। इस तरह से पुदीना थोड़ा डाल दें और थोड़ा सा आप देखिए अब भुना हुआ जीरा या जल जीरा आपको जो भी घर में हो उस तरह से इसमें थोड़ा डाल दें। इस तरह से आइस डाल दें और इसमें अपना अनुसार पानी मिला के
बचे हुए जो भी आपका पल्प बच गया है पेस्ट किया हुआ, उसको आप कोई भी कांच का कंटेनर में रख के, आप फ्रिज में रख के हफ्ता 10 दिन तक इसको अपना, जब भी गर्मी से आए आप इसका ठंडा ठंडा लुफ्त उठाएं, आपका पेट कभी भी इससे आपको खराब नहीं होगा, ठंडा ही रहेगा हमेशा। मेरा आम पन्ना बन के रेडी है, अब यह गर्मी के लिए तो लू आप अगर पी लेंगे तो लू भी नहीं मारेगा। इस तरह से आप कभी भी गर्मी में आए इसका ठंडा ठंडा लुफ्त उठाएं, और मैं यही कहूंगी कि आप गर्मी में हमेशा इसका यूज करें ताकि आपका पेट भी ठंडा रहे, और इस तरह जिस तरह गर्मी पड़ रहा है उसके लिए तो ये रामबाण है। इस तरह से मेरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।